हरिओम, मैं अशोक कुमार ठाकुर, हिंदी विभागाध्यक्ष, चिन्मय विद्यालय NTPC मुचाहार। आज 14 सितंबर को आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए ना, कैसी विडंबना है कि हम वर्ष में एक बार हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी को सजाने संवारने की बात करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी को लेकर बहुत से आंकड़े प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूं कि विश्व पटल पे हिंदी की क्या स्थिति है या किस विश्वविद्यालय में कहां कहां हिंदी पढ़ाई जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लिए देखा जाए तो प्रतिदिन हिंदी दिवस है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को लेकर के जो एक आम लोगों में हीन भावना है उससे बाहर आना है। आज जानबूझकर गलत हिंदी बोलने का फैशन होता जा रहा है, हमें इसका हल ढूंढना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हमें इसकी गहराई को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि हिंदी एक माँ की तरह हम भारतवासियों का पालन पोषण करती है। हिंदी इतनी समृद्ध है कि इसका कोई मुकाबला नहीं। एक संयुक्त परिवार की तरह हिंदी सभी भाषाओं को लेकर के चलने वाली है। हम हिंदी का आदर करें, हीन भावना मन से निकालें। हिंदी तो हमारे लिए जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम सब गर्व से कहें कि हिंदी हमारी शान है, भारत की पहचान है। जय हिंद, जय हिंदी।